रहीम यहाँ पे मौजूद जितना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे काउंसिल सेक्रेटरी के जितने भी मुलाजिम यहाँ पे हैं, आप लोग सब इस स्वीप प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम में, शॉर्ट नोटिस के सब यहाँ पे आ गए, जमा हुआ, उन चीज़ के लिए मैं नोडल ऑफिसर को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि स्वीप ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ से भी चलाया। इस सिलसिले में स्वीप प्रोग्राम में अवेयरनेस कैंप हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में हर जगह डिफरेंट लोकेशंस पे हो रहा है, और ये हमारे एक काउंसिल सेक्रेट पे आज का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इनका असली मेन मकसद हम जितने भी मुलाजिम हो आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है, इसमें कैसे हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ऑफ यूटी लद्दाख भी, उनका भी यही आप लोगों को मैसेज है कि आप सब लोग इस इलेक्शन में एक्टिवली पार्ट लेकर किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर फ्लॉलेसली, फेयरलेसली, रिलीजन या कोई पॉलिटिकल किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर अपना वोट का हक अदा करने के लिए अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री एंड डिग्निटी ऑफ फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन एंड टू वोट इन एवरी इलेक्शन फेयरलेसली एंड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और एनी इंड्यूसमेंट। थैंक यू। और इसके साथ वोटिंग का जो प्रोसेस, वोटिंग हर सिटीजन्स को ये इख्तियार दिया जाता है टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो हम हमेशा आपको ये करते हैं, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जिसको हम अपने इसमें ये कराएं, तो अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। तो एक एक्टिव और वेल इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स जो है, वोटर्स के एक एक्टिव होके एक वेल इन्फॉर्म वोटर्स एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सक्सेस के लिए। ये वेल इन्फॉर्म और एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। तो इस वोटर के अवेयरनेस को और वोटर के टर्न आउट को और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन को इन्हांस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2009 में, जिसको वीप नाम रखा था, VEEP, वीप, वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन करा के, ताकि वोटर्स टर्न आउट मैक्सिमम हो और इलेक्ट्रल लिटरेसी अमंग द सिटीजंस बढ़े। तो बाद में उसको रीनेम देके 2010 में इसको आगे से एस जोड़ा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है स्वीप। स्वीप मीन्स सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिस तरह हमारे दूसरे एसेंशियल जो डिपार्टमेंट्स में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2014 चले थे, फिर 13 तक, फिर 14 से 15 अलग एक फेज था, फिर 15 से लेकर 19 तक थर्ड फेज था, और आज ये 19 से 21 तक और 22nd 2022 से लेकर 2025 तक इसका। तो इसमें स्वीप हर जगह आपको गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रल वोटर्स फॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्म करते हैं, इसके अलावा हर जगह आपको, चाहे ग्रास रूट लेवल पे जाके, इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज के अलावा, ये आपको डिजिटल फॉर्म पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अवेयर करते हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वैसे मैक्सिमम तो रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो आपके आस पड़ोस में, फैमिलीज में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो इलेक्ट्रल रोल में, तो आज भी आप लोगों के पास टाइम है। इसके क्वालिफाइंग डेट्स होते हैं, पहले एक ही होता था, 1 जनवरी, आज ये और भी इसको इजी बना के पूरे साल में 4 क्वालिफाइंग डेट्स रखा हुआ है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। ये 4 क्वालिफाइंग डेट, जिस क्वालिफाइंग डेट पे कोई भी सिटीजन आपको एलिजिबल होते हैं 18 एंड 18 प्लस, तो उसको ये फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं कि वोट देने का। और
इसमें आज भी अगर आपके आस पड़ोस में फैमिली मेंबर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 31 मार्च तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो क्वालिफाइंग होगा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये एक है। इसके अलावा और इसको और इजी बनाने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको एप्स होता है वोटर्स हेल्प लाइन, जो यहाँ पे है वोटर्स हेल्प लाइन, ये जो है आपको थ्रू QR स्कैन के थ्रू या कोई भी किसी भी मोबाइल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में, वोटर्स वोटिंग के बारे में, इवन की जो वोटिंग प्रोसेस में बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो अराइज करते हैं रिगार्डिंग EVM के बारे में या दूसरे इलेक्शन कमीशन के दूसरे प्रोसेस के बारे में, उनके सारे आंसर्स आपको इनमें मिल जाते हैं। इसके अलावा ये चार इंपॉर्टेंट एप्स जो हैं, ये जरूरी है आप लोगों को, खासकर ये फर्स्ट जो है ये वाले ऐप आपको, ये है PWDs के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इसको सक्षम ऐप बोलते हैं ECI के साथ। महबूब साहब, आज जो यहाँ पे अवेयरनेस वोटर अवेयरनेस फॉर्म का एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ सर काउंसिल सेक्रेटरीट में, क्या मैसेज रहेगा आपको सर जो वोटर्स हैं उनके लिए, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए? इसी प्रोग्राम का यहाँ से अवेयरनेस कैंप चालू करने का मकसद यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस साल का मोटो रहा है कि मैक्सिमम वोटर्स को हिस्सा लेना है, तो हमने अपने तमाम मुलाजिम जो हमारे काउंसिल सेक्रेटरीट में मौजूद था उन सबको यहाँ जमा करके इस अवेयरनेस कैंप का इनाकाद किया, और इसमें हमने उनसे इल्तिजा किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग खुद ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबर्स, अपने एरिया के तमाम लोगों को मोटिवेट करना है कि किस तरह से मैक्सिमम हम लोग इस वोटिंग में हिस्सा लें, ताकि हमारा एक अच्छा सा एक गवर्नमेंट हमें आ जाए, और बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस में आए बगैर, किसी रिलीजियस या रिलीजन या किसी भी इन्फ्लुएंस में आए बगैर अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक इज़राइट को में हिस्सा लेकर, मैक्सिमम वोटिंग में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाना है। इसके लिए अवेयरनेस कैंप यहाँ से यही कह दिया था, उसमें हमने यही रिक्वेस्ट कर लिया था।